चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से, कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की
वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता, और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि जहां जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है, साधारण तौर पर मैं कहूं कि यह एक दो या तीन एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं, यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है, और ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन गांव का सहकार भी हो सकता है। यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता
करेगी।